जैसा कि मैंने बताया जो चीज़ आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ना वो सारी की सारी चीज़ें आपको तीनों महीनों में देखने को मिलेंगी जो तीन महीने आप रहोगे यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट हुआ करेंगी हर रोज़ हर रोज जब रिपीट होएंगी तो आपको वो याद हो जाएंगी तो आपको टेंशन नहीं लेने की आज ज़्यादा ही कुछ हो गया हमें ज़्यादा हैवी हो रहा है तो सिर्फ हम तो आपको बस ये चीज़ें इसलिए बताना चाहेंगे आज कि आगे हम कभी भी इन चीजों को यूज करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ ये उस टाइम पे बताया था तीन महीने है याद करने के लिए तो कि कहां पे क्या एक दिन में इतना सब कुछ याद नहीं होता हो गया ओके okay, एक बार ड्रेस दिखा दे आपको क्योंकि नब्बे डिजाइन हम आपको ये भी तो देने वाले हैं ना ये आप 10-15 दिन में ही बना लोगे ये वाली ड्रेस जो हमने पहनी हुई है ये आप दस पंद्रह दिन के बाद बना पाओगे ये हमने जिसको आप अनारकली भी बोल सकते हो और कलियों वाला फ्रॉक भी बोल सकते हो वो पहना हुआ है गाउन भी जिसको आप बोल सकते हो एक ही चीज को हम कई नाम दे सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि हम उसको किस नाम से पुकार रहे हैं बट नाम तो देना पड़ेगा चाहे कोई भी ड्रेस ही नाम तो हम देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि हम कभी फ्यूचर में बनाए ना तो हमें याद आए कि ये ड्रेस हमने बनानी है वरना नाम ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा बैक से बैक से भी ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है आप जो ये फ्लावर देख रहे हो ये फ्लावर हमने लेस से कट करके फिर अलग अलग जगह पे इनको लगा दिया गया है वैसे ये सिंपल एक लेस थी जो कि अलग अलग कट करके इनको लगाया गया है तो ये कलियों वाला मेथड आप जैसे ही आपकी कलियों वाली ड्रेस से आएंगे आगे उसमें समझ पाओगे इसको तो आप चलते चलते बना लोगे क्यों भाई अगस्त वालो बना लोगे ना तो जब जैसे ही कलियों का मेथड आपको समझ आएगा और आखिर तक तो अभी तक तो हम बोलते थे चलते चलते बना लोगे तीन महीने के बाद तो आप भागते भागते बना लोगे इतने इजी तरीके आपको सिखाने वाले हैं ये ट्यूब ब्लाउज आप सरप्राइज तब हो जाओगे जब आपको हम सच्चाई बताएंगे इसके पीछे की हमने इनमें से एक का भी मेजरमेंट नहीं लिया है और इनको एक बार में ही पहनाया सबको बिल्कुल परफेक्ट आए हुए हैं तो क्या कारण है ये पैटर्न वाला जो उस दिन बताया था ना कि पैटर्न हम देंगे तो इनमें से आप किसी से भी पूछना अगर हमने इनका माप लिया हो तो नहीं लिया और ये ये नहीं पहले एक आधी लड़कियां चली गई हैं हमने पहले उनको पहनाए भी सही आए अब वो चलेगी तो इनको बनाए तो इनको भी सही आए मतलब क्या सिर्फ चेस्ट का साइज सेम होना चाहिए उस पैटर्न से बिल्कुल सेम जाएगा। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको हमारी मॉडल्स आ जाइए भाई सिंगल सिंगल करके आगे आते जाओ आ, भाई थोड़ा इस तरीके से जूम करना एक बार आप अपनी क्लास रोक देना भाई कहीं क्लास इनकी मिस ना हो जाए ये ट्वेंटी पैटर्न कट किए हुए हमने तो जिस हिसाब से जो साइज थे ना आपने सिर्फ साइज का पैटर्न उठाना है और उस पैटर्न को रख के कटिंग कर देनी है और बिल्कुल परफेक्ट आएगा बैक से भी एक बार दिखाइए यहाँ पे बैक से हमने इनका माप नहीं लिया बिल्कुल परफेक्ट है साइड थर्टी uh, ये जैसे कि इनका भी हमने थर्टी का साइज जो पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं कि एक साइज उठाया था 30 का पैटर्न का और बिल्कुल परफेक्ट आया था ये वाला एक बार बैक। जी स्टेट हाँ जी इनका भी बिल्कुल परफेक्ट है कहीं पे भी कोई झोल नहीं है ऊपर से बड़ी बात ये कि इनका हमने साइज नहीं लिया है भाई हाँ जी तो अगर आपके पास भी ये पैटर्न हो कोई भी क्लाइंट आए साइज उठाया और रख सकते हो ये सब हम आपको सिखाएंगे जी आ जाइए आप आगे सारे फिर से भाग गए इकट्ठे करेंगे हम सबको ये हमारा साइज जैसे कि थर्टी टू का इनका भी बिल्कुल परफेक्ट है बिना माप लिए ही बैक से ओनली पैटर्न पैटर्न का कमाल है ये तो पैटर्न से जब इतने सुंदर आ सकते हैं तो आपको मेथड आने चाहिए और आप कोई भी किसी भी क्लाइंट का ब्लाउज बहुत ही जल्दी बना सकते हो वेरी गुड अभी सभी साइज नहीं बताते हम आप देख लीजिए सारे साइज हैं मतलब थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फोर वो बिल्कुल परफेक्ट सारे के सारे जी आप भी देख पा रहे हो कहीं पे कोई झोल वगैरह नहीं है नेक्स्ट ये भी बिल्कुल परफेक्ट है यानी कि छोटे से लेके बड़े साइज तक 36, वो 34 था चलो बता ही देते आपको 36, 36 के आपको चेस्ट का साइज़ देखना है पैटर्न को रखना है और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग मिलेगी आपको इस ब्लाउज की जो ट्यूब ब्लाउज हम बोलते हैं ऊपर कुछ भी दूसरी जैकेट वगैरह भी पहन सकते हो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है हमने किसी का भी माप नहीं लिया है तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है आपको ठंड लग रही है ऐसे बैठे। वेरी गुड आ जाइए कहीं से कमी लग रही है आपको नहीं है ना बिना माप के हैं भाई ये बड़ी बात ये बिना माप है बिना के हैं। आ जाइए। इनका भी बिल्कुल परफेक्ट जचा हुआ है ओनली पैटर्न से ही कट किया हुआ है और बैक से भी हमने इनका कोई भी माप नहीं लिया जी फोर्टी फोर इनका भी कोई भी माप हमने नहीं लिया और बिल्कुल परफेक्ट है जैसे कि हो जाता ना कि हाँ सारे ना जैसे हमसे साइज तो बिल्कुल परफेक्ट है वेरी गुड भाई बच्चों एक बार सारे आप पीछे आ सकते हो तो अगर आपको भी थैंक यू ये हमारी कटिंग है अपने हाथों से की हुई हम आपको ब्लाउज सिखाएंगे सारे के सारे ठीक है लेकिन कभी फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है क्योंकि इसको कट करने में ना कम से कम पौना घंटा एक घंटा लगता है अगर आप खुद मेथड से कट करोगे तो लेकिन अगर अगर, अगर आपके पास पैटर्न है आपके क्लाइंट ने बोला नहीं हमें तो बहुत ही जल्दी में चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं देखना सिर्फ उसका साइज देखना है और पैटर्न के ऊपर साइज रखा हुआ है पैटर्न दिखाइए मुझे पैटर्न के ऊपर साइज लिखा हुआ है वो पैटर्न उठाना है मार्किंग कर देनी और स्टिच करना है कुछ भी नहीं करना ये पैटर्न हम आपको आप कभी भी घर बैठे भी मंगा सकते हो और यहाँ पे भी जैसे कि ये हमने सारे के सारे साइजों की कटिंग की हुई है इन पे लिखा हुआ है कि ये फोर्टी का साइज है और यहाँ से फोर्टी का साइज है ये इसका फ्रंट पार्ट है बस आपने मार्किंग करनी है इसको रख के और स्टिच करना है तो ये पैटर्न अगर आपके पास हो आपको हम ना चाहोगे ना तो भी देंगे <laughs> क्योंकि सिखा तो हम आपको चुके होंगे मेथड लेकिन ये भी तभी मजा है ना कि आपको ये कट कैसे हुए आपको आना चाहिए वो हम आपको सिखा चुके होंगे प्रॉपर बिल्कुल आपकी क्लासों में आपकी जो ब्लाउज की क्लासे आएंगी लेकिन एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि जल्दी जल्दी में कुछ करना है तो आपको ये खुद समझ में आएगा और रिजल्ट आप देख ही पा रहे हो ये सारे मेरे हाथों की कटिंग की हुई है हमने जितने भी पैटर्न तैयार कर रखे हैं तो कभी भी जिसको जाने जाने से पहले हम नहीं देंगे आपको क्योंकि हमने सिखाने हैं कहीं सोचो आप अभी ले लेते हैं अभी नहीं देंगे आप जाओगे ना उस टाइम आप पहले सीखो मेथड आपको पूरे आने चाहिए हाँ जाओगे ना तो ये देखिए हमने आपके लिए ट्यूब ब्लाउज के पैटर्न कट किए हैं इनको आप लाइफ टाइम तक अपने पास सेव करके रख सकते हो इनका यूज कैसे करना है चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं उसके बाद इसका फाइनल लुक भी आपको बिल्कुल दिखाएंगे पैसों में मिलेंगे खर्चा पड़ता हाँ लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफी सस्ते में है। और कि और कोई ले रहा उसकी आपको रिजल्ट दिखा रहे थे बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है ना खाली इन पैटर्न से ही और जिसमें हमने इनका साइज भी नहीं लिया तो भी परफेक्ट आ गए चेंज करना होगा तो क्या करना होगा ओनली थैंक यू ओनली वेस्ट का साइज चेस्ट का तो हमने सेम ले दिया वेस्ट किसी की तीस हो सकती है किसी की बत्तीस हो सकती है तो वेस्ट वेस्ट पे हम क्या करेंगे यहां से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे बस इतना ही फर्क करना होगा और कुछ भी नहीं तो चलिए क्लास को कंटिन्यू रखिए थैंक यू भाई बच्चों, बहुत सुंदर लग रहे हो सारे के सारे नहीं आप चेंज कर सकते हो आपको ये बेसिक ब्लॉक कट करना आना चाहिए सबसे पहले जो कि आप जो आपने जो कुर्ती सीखी है ना बोटनेक कुर्ती वही है ये बस इसको छोटा कर दिया गया है और एक डर्ट एक्स्ट्रा है बाकी वही है ये ठीक है छोटा कर दिया एक डर्ट एक्स्ट्रा डाली है अगर आपको बेसिक ब्लॉक कट करना आ गया समझ लो आपको आधी सिलाई आ जाती है तो इसको हम बेसिक ब्लॉक बोलते हैं जिसमें आप देख पा रहे हो ये हमारी नेक लाइन है जो हमने ड्रेस फॉम पर समझाई थी ये शोल्डर लाइन है यहाँ से आरम होल लाइन ये सेम सिम साइड जो कि साइड सिम यहाँ नीचे से जो मार्जिन है एक्स्ट्रा वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मार्जिन और यहाँ से सेंटर फोल्ड यानी कि फोल्ड या फिर आप कट में भी रख सकते हो आपकी मर्जी मतलब बेसिक ब्लॉक बोलते हैं हम इसको ये सभी ड्रेसों में यूज होता है चाहे आप ब्लाउज बना रहे हो चाहे गाउन बना रहे हो चाहे कोई भी हैवी ड्रेस बना रहे हो तो ये आपको आना चाहिए जो कि आज हम आपको सिखाएंगे उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं नेक यानी कि नेक की ब्रोड उसमें अलग फैब्रिक लगा के कोई भी जो छोटी चुट छोटी गैदर्स कोई डिजाइन डालते हैं ना उसको हम डर्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं जिसमें कि कोई भी डर्ट कहीं पे भी शिफ्ट होता है लेकिन इसका भी अभी आपका कोई काम नहीं है इसका बर्डन डालने की जरूरत नहीं आपको जब तीन महीने की क्लासे आप सीख लोगे ना ऐसी ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी लेकिन ये तीन महीना का कोर्स जब आप कर लोगे जो कि छह महीने का रहेगा ऑनलाइन समेत उसके बाद डिजाइनर बैच देते हैं हम उसमें ये सारी नॉलेज देते हैं कि आप कहीं से भी किसी भी डर्ट को उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर दो और उससे बहुत सुंदर लुक दे सकते हो तो वो डिजाइनर बैच में होएगा ये बर्डन हो जाएगा इसमें हम नहीं लेते इसमें हम आपको तरीके से एक बेस समझाएंगे सिलाई का जो कि आप समझ पाओगे तो ये चीजें आपको समझ आ गई जो कि हमने स्टार्टिंग में फिर से बोला था बंद नेक बनाना हो ना उसके पैटर्न को बोलते हैं बेसिक ब्लॉक बिल्कुल बंद नेक बंद नेक कौन सा होता है कॉलर वाला नेक ठीक है कोलर जो लगाते हैं तो उसको बंद नेक बोलते हैं यानी कि बैन वाला नेक भी बोल सकते हो पैक नेक भी बोल सकते हो यानी कि पैक नैक बनाओगे ना पैक यानी कि बिल्कुल पैक हो चुका हो जो पूरा उसको बेसिक ब्लॉक बोलते हैं वो वो वाली चीज़ बन जाएगी जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं मान लो किसी सूट की देखते हैं बहुत सुंदर मुझे लगता है हमें लगता है कि ऐसा सूट तो हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सिल लेंगे उसको हम सेव कर लेते हैं आ, कि नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल सिल लेंगे मार्केट जाएंगे फैब्रिक लेके आएंगे और सिलेंगे ऐसा करते करते आप हज़ारों वीडियो सेव कर लेते हो लास्ट में आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है जो भी होता है गैलरीज फुल हो जाती है फिर आप उनको सील तो पाते नहीं फिर उनको कट कर देते हो ठीक है दूसरी चीज़ आप सोचते हो कि अभी आप सोच रहे हो कि ये वीडियो हम एक बार थोड़ी बहुत बना लेते हैं बाद में जब देखेंगे जब देख लेंगे देख पाएंगे बिल्कुल नहीं देख पाओगे आप लेकिन अब कोई क्लाइंट आ गया आपके पास तो आप ऐसा थोड़े करोगे कि भाई एक बार या फिर स्टूडेंट्स को किसी को सिखाने लगे आप ऐसा थोड़ा बोलोगे कि एक बार हम देख लें उसके बाद आपको बताते हैं भाई हमने इतना कच्चा नहीं बनना हमने अपने माइंड में सेट करनी है वो चीजें जब हम सिखा इतना अच्छा रहे हैं जब हम गारंटी ले रहे हैं आपको बहुत अच्छा सिखा के ही भेजेंगे तो उस चीज़ को आप भूल जाओ कि आपने कोई भी चीज़ कैमरे में सेव करनी है अपने दिमाग में सेव करो कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रहा उसी टाइम खड़े हो जाओ पूछो ठीक है हम आपको हर बार मौका देंगे थोड़ा थोड़ा बताने के बाद खड़ा होने का और बहुत ध्यान से सुनना हम भी आपको उठा उठा के पूछेंगे जब हम आज की क्लास में बहुत ज़्यादा जोर लगाने वाले हैं कसम से बहुत ज़्यादा तो सारे एक्टिव रहना जब हम इतना जोर लगा सकते हैं तो हम आपका क्यों नहीं लगवाएंगे तो आप पूछेंगे हम तो ध्यान से देखना सारे के सारे कहीं खराटे सेवा लगाते रहो वो वाली नहीं चलेगी भाई क्योंकि मैंने आपको यहां से सिखा के ही भेजना है ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी करनी है टाइम पास करना है बिल्कुल भी नहीं जो आपने फीस दे रखी है इससे कुछ नहीं होता बस मेरा एक मन बन गया है कि मैंने सभी लड़कियों को सिखाना है तभी आप ऑफलाइन में बैठे हो अगर एक बार में मन ये हो जाए कि मैंने नहीं सीखाना मैं तो ओनली ऑनलाइन सिखाऊंगी तो फिर आप क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते ठीक है जब मेरी इच्छा है कि आपको मैंने सिखाना है आप सभी लड़के को मैंने तैयार करना है तो बस वो करना है मैंने तैयार और वो करना है तो फिर समझ लो फिर मैं आपसे पूछूंगी भी तो एक्टिव होके बैठना मैं आज आ, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है सच्ची में अगर कोई ध्यान से सुने तो वही वाली चीज़ है आज की क्लास के बाद कुछ नहीं बचता ठीक है तो चलिए Uh, कोई वीडियो में नहीं आप यहाँ पे हम इतना अच्छा समझाएंगे गारंटी देते हैं आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाफ कॉलर होता है उसमें ये चीजें होती हैं उस उसमें आपका बढ़िया डाउट है वेरी गुड बैठ जाओ अगर आपका नेक है इस तरीके का यानी कि जैसा मैंने पहन रखा मान लो यही है ये वाला नेक है एक तो वी नेक शॉर्ट नेक में जाता है वी नेक कितना नेक शॉर्ट में जाता है छह सात इंच तक का नेक अगर वी नेक है ना तो वो एक से चार इंच के नेक के बराबर होता है वी नेकर्ट नेक में जाता है ठीक है दूसरी बात जो इन्होंने पूछा कि अगर आगे का नेक सात इंच का का है और पीछे नेक एक इंच का है मतलब वो पैक नेक के जैसे हो गया तो उस उसमें हम दोनों के तीरे सेम उठा सकते हैं वरना फ्रंट का तीरा फ्रंट के अकॉर्डिंग उठाओगे बैक का तीरा बैक के अकॉर्डिंग उठाओगे जैसे कि अभी इनके माइंड में जो चल रहा था इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो इसलिए अगर मान के चलो हम फ्रंट का तो बना रहे हैं नेक और बैक का बना रहे हैं डीप नेक तो बैक का तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर उठ गया साढ़े चार का बहुत ही डीप बना दिया हमने मान लो ठीक है तो साढ़े चार का शोल्डर उठ गया और फ्रंट का उठ गया साढ़े सात का समझ रहे हो ना फ्रंट का साढ़े सात का उठ गया क्योंकि हम बोटनेक बना रहे हैं तो उनको फिर शोल्डर को जोड़ेंगे कैसे यही चीज थी ना है ना वो तो चौड़ा हो गया और जो डीप नेक की ब्रॉड वो कम हो गई उसकी वजह से आपके कंधे नहीं गिरेंगे वो खींच के रखेगा और ऐसे फैल जाएगा ऑटोमेटिकली डीप नेक समझ आ गई यानी कि डीप नेक के अकॉर्डिंग डीप नेक के शोल्डर लेने हैं और शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग शॉर्ट नेक के शोल्डर लेने हैं आपने देखना है तो क्या शोल्डर पट्टी शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए फ्रंट और बैक की फिर वो नेक की ब्रोड चाहे आगे वाले की दो इंच की बने पीछे वाले की पांच इंच की बने ठीक है शोल्डर पट्टी आपने मिलानी है क्लियर हुआ और दूसरी बातें सारी चीजें आज ही समझ आ जाए इतना बटन लेने की जरूरत नहीं है अगर हम 100% परसेंट समझाएंगे उसमें से आपको 10% परसेंट भी समझ आ जाएगा ना हम आपको सिखा देंगे ठीक है तो बर्डन नहीं लेना मजे मजे में सिलाई सीखनी है हाँ बट सोना नहीं है चलो आपसे पूछते हैं थोड़ी देर एक्टिव करते हैं आपको ज्यादा ही जवाइया ले रहे हो पानी पियो पहले एक बार आपने अपनी बोटले पास में रखा करो अरे इतना ज्ञान तो कोई लाखों रुपए देने के बाद भी ना दे जो आज हम आपको इस क्लास में दे रहे हैं यही तो चीजें इन्हीं चीजों की तो कमी थी आपकी लाइफ में सूट तो आप सिलते ही थे है ना बात सही इन्हीं चीजों की कमी थी जो कि आप कर ही नहीं पा रहे थे मतलब आपका माइंड यहां से रिलैक्स नहीं था कि हम सूट तो सिलते हैं बट वो संतुष्टि नहीं है अंदर में कि एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि सारे डाउट ऐसे साफ हो जाए वही चीज़ तो आज हम आपको दे रहे हैं ऐसे माइंड ऐसे हो जाएगा बिल्कुल कि अरे वाह इतना मज़ा आ गया लास्ट में सच्ची में चलिए हो गए एक्टिव पूछें क्या सोच रहे हो सिखाने के कह रहे हैं कि चलिए नहीं आपसे पूछने की कह रहे हैं पूछ लेते हैं अब ये देखिए क्या नाम है आपका नवनीत no नवनीत no जैसे कि हमारी नवनीत no यहाँ पे इनका अभी आप सूट देख रहे हो अगर हम थोड़ा सा ऐसे अभी तो इन्होंने स्टेप लगा रखी है शायद एक बार खोल दें ओके okay. जी अगर स्टेप को हटा रहे ना तो ये डाउन देखो मतलब लूज हो गया है यहाँ से अभी इनको पता है क्या लग रहा है अगर यहाँ से ये हल्का सा यूं दब जाए ना तो मजा आ जाए टाइट हो जाए हो गया ना टाइट अब ऐसा आपको लग रहा है कि ये उतरेगा नहीं ऐसा इतना पकड़ने से ही लग रहा है कि आपका ये उतरेगा नहीं वरना ढीला छोड़ रहे तो ऐसा लग रहा है कि जाएगा है ना तो जब आपका ऐसे पकड़ने से ही आपको ये फील हो जाता है कि अब नहीं उतरेगा ये जैसे कि आपने देखा होगा एक जैसे कि एक चीज और देखना जब हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ रहे हैं ना छूट टच से मस नहीं हो रहा सीधे हाथ करना प्लीज देखो सिर्फ नेक नेक टाइट हो रहा है देखो कोई भी लेंथ कम नहीं हो रही सिर्फ सूट सूट टाइट और आपने अपने पकड़ के देखो एक बार शोल्डर यहाँ से बिल्कुल जितना भी हम यहाँ से टाइट कर रहे हैं ना तो सिर्फ मज़ा आ रहा है कि हाँ इतना सा दब जाए तो हमारे कंधे नहीं गिरेंगे लेकिन उसमें हमारे सूट की लेंथ कम नहीं हो रही आप ज़्यादा ही उठाओ दे देते हो ये उठाओ हमें देना होता है जैसे कि हमने बोटनेक में बताया था बट सब में नहीं कई बार क्या होता है ये उठाओ हमारा बिल्कुल काम में आता है लेकिन वो किस टाइम हो जाता है जब हम फ्रंट का आराम होल ज़्यादा ले लेते हैं फिर वो आराम होल में झोल होता ज़्यादा बड़ा होता आर्म आराम होल बजाय बैक के तो उसकी वजह से वो हमारा नेक आगे की तरफ आता रहता है ठीक है सबकी प्रॉब्लम ज़्यादातर बल्कि ये रहती है हमारा नेक पीछे की तरफ जाता है ठीक है लेकिन किसी किसी का ऐसा भी होता है कि वो आगे की तरफ ज्यादा एक तो जिसकी हैवी चेस्ट है उसका होता है एक फिर जिसका ये कट बहुत ही फिनिशिंग से कम है ये कट छोटा है और बैक ज्यादा उठाओ है उसका आगे की तरफ आता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है हम आरामोल सेम ले देते हैं वो देखते नहीं कि आगे का कट छोटा है पीछे का बड़ा है वो सेम हो जाता है तो सेम होने के कारण फिर वो आगे की तरफ जाता ही रहता है ठीक है तो ये चीज भी है आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी एक बार डाउन कीजिए आपको लग रहा है आप अच्छी जगह पे आए हो क्लियर yes, हो रहे हैं ना सारे डाउट yes, तो कौन कौन है एक बार हम पूछना चाहेंगे कि जो काफी सालों से सिलाई कर रहे हैं बुटीक है जिनका आपके कुछ डाउट दूर हुए मजा आ गया आ गया सच में ये सारी चीजें जो हमने अभी बताई है आपको तीनों महीनों में सुनने को मिलेंगी तीनों महीनों में अगर आज हमने आपको 100% परसेंट समझाया हमारी तरफ से उसमें से आपको 10% परसेंट भी समझ आया तो भी हम गारंटी देते हैं कि तीन महीने में आपको बहुत ही खुश करके भेजेंगे यहां से लेकिन जो पहले सिलाई करता था ना रियल में कहते हैं जिसको पहले यानी कि कुर्ती ही स्टिच करनी आती थी चाहे उसको सच में मजा आया आज इसको बिल्कुल नहीं आता था ना उन बच्चों की हम कह नहीं सकते लेकिन जो हमेशा कुर्ती काटने बैठते थे वो काटने तो बैठ जाते थे बस ये नहीं पता चलता था अब तीरा कितना ले हाँ तो कह ले देते हैं एक बार चल ले देते हैं जितना भी देखी जाएगी साढ़े छ ही ले देते हैं सबका लगभग छह ले देते हैं साढ़े छः ले देते हैं सबका ओके दूसरी चीज क्या होती थी साढ़े छः आगे का ले दिया ओके okay, पीछे का भी साढ़े छः ले देते हैं <laughs> आरा मोल कितना लेना भाई साढ़े छः लिया तो चलो सात ले देते हैं नहीं करते, करते ना हाँ <laughs> <laughs> तो उनको तो आज बिल्कुल मजा आया अच्छा ऐसे होता है समझ हालांकि चाहे एकदम से ना आया हो क्योंकि बड़ी चीजें हैं, भाई ये ये निचोड़ है बुरी सिलाई का तो उनको बिल्कुल मजा आया और जो नए बच्चे हैं उनको तो उनसे भी ज्यादा मजा आया क्योंकि उनको अपना पुराना भूलना नहीं पड़ा सारा नया ही चलेगा उनके लिए उनको तो और भी मजा आएगा आगे आगे कि बिल्कुल नया है सब कुछ है। उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऐसे होता है ये तो तरीके हैं बढ़िया है सही समझ आ जाएगा आगे की तरफ है ना नए बच्चे कौन कौन है जिनको कुछ भी नहीं आता था ओके okay. मतलब अब आपको लग रहा है ना कि हाँ हम शायद सीख जाएंगे ना क्योंकि हर चीज तरीके से उठेंगे आप जब आपके पास जब ये सारी चीजों के तरीके हैं तो आपने करना क्या है कुछ भी नहीं एक चीज और चलो एक और हल्की चीज बताते हैं आपको क्या आ, जो एक स्टूडेंट्स का डाउट है ऑनलाइन वाले का कि क्या बैक में हर टाइम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे बढ़िया डाउट है ना? तो नहीं हम एक्स्ट्रा कैसे लेंगे हमारे आराम होल को पूरा करेंगे अगर आगे की लाइन आठ हो गई ना तो पीछे वाली लाइन हम माप रहे वो भी आठ होनी चाहिए चाहे वो लाइन कितनी ऊपर जाए फिर चाहे डेढ़ इंच तक ऊपर चली जाए चाहे बिल्कुल भी ना जाए खत्म ही हो जाए नीचे ही आगे वाले से भी पहले ख़त्म हो जाए तो जहां आराम हॉल की लाइन खत्म हुई वहीं रोक देंगे क्लियर हुआ तो आप उनको प्रैक्टिकल करके भी देखो ताकि आपकी लाइफ सुधर जाए है ना कॉपी क्या हर टाइम थोड़े करते रहोगे अगर आपने अपने आप को साबित करना है ना कहीं पे, तो आपको ये प्रैक्टिकल कर करके देखने पड़ेंगे इतने सारे साइज हैं आपके पास तो हर किसी साइज को कोई नहीं मना करेगा साइज ले लेके देखो जो जो ये फॉर्मूले हमने बताए उनको सेट कर कर करके देखो डाउट उठाओ जितने ज़्यादा डाउट उठाओगे उतना ही सीखने में मजा आएगा हर चीज के डाउट उठाओ हम तैयार हैं उस चीज के लिए हम खुला चैलेंज करते हैं जितने आप क्वेश्चन करते हो उतना ही हमें मजा आता है और ऑफलाइन में सिखाना एक बहुत बड़ी कला है लाइव में सिखाना बहुत बड़ी कला है अगर वैसे ही रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लासे दी जाए ना तो कोई भी सिखा दे यहां पे आप इतने सारे चेहरे बैठे हो पूरी भीड़ में से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है समझ आ रहे हो तो हम तभी हिम्मत रख सकते हैं लाइव में में, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिखाने में। जब हम प्रॉपर तरीके से खुद परफेक्ट तभी बोल सकते हैं इतना वरना तो क्या पता कोई स्टूडेंट्स आई इस तरीके से राहो कि इसको नीचा दिखाना है तो इसलिए हम कह रहे हैं कहीं अगर आपको भी कहीं पे बोलना पड़ जाए ना एक बार तो आप ये ले लो बट आपको वो चीजें माइंड में याद भी होनी चाहिए क्या करोगे कॉपी कर करके हर चीजों को तो इतना दिमाग में बिठा लो कि आपको कोई भटका ही ना सके फॉर्मूले हमने दे दिए पहले तो आप तुक्के से बताते थे अब तो आपके पास त्रिक्के आ जाएंगे तीन महीने में तो आप इनको इतना रट डालो कि कोई आपको अटका ही नहीं सकता जब आपको फॉर्मूले है ना आपको कोई नहीं अटका सकता जब वो कहते हैं ना कि हम बोल तो सकते हैं बट हमारे से स्टेज पे नहीं बोला जाता वो तब नहीं बोला जाता जब हम कच्चे होते हैं उस चीज़ में जैसे मैं डांस में कच्ची थी तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था सच्ची कह रही हूँ मैं हाँ इनके सिलाई को लेके चाहे मुझे पूरी भीड़ में क्या कितनी भी पब्लिक में बुलवा लो तो हमें एक बार खुद को परफेक्ट होना पड़ता है और आप वैसे ही नहीं हो हमारे तक पहले कोई चीज़ देखी जाती है कोई स्टूडेंट्स किसी के पास चल के जाता बुलाए हुए नहीं कोई आता जो हर बार हम इतने इतने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं तो आज आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए हैं हमने आपको आपको भी भी बोल दिया अगर आपको 5 भी समझ आया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हम आपको सारे के सारे सब कुछ तीन महीने में सिखा के भेजेंगे बस आपका माइंड सेटिस्फाइड इस तरीके से होना चाहिए कि जहां पे हम आए हैं ना उससे बढ़ के कोई जगह नहीं है और ये हम गारंटी देते हैं वरना जैसे कि कभी वर्ड रिकॉर्ड मिलना किसी भी चीज़ का कभी रवीना टंडन द्वारा सम्मानित करना सिलाई कोई लेके, ऐसे ही कोई नहीं करता किसी को ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं तभी तो अभी तो हम इंडिया में तो नंबर वन पे हैं बस मेरा जो सपना है वो है वर्ल्ड में नंबर वन होना और आप लोगों की जो ये दुआई है मेरे साथ जो इतने चेहरों कि जो आशीर्वाद समझो दुआ समझो कुछ भी समझो एक तो दिन हम अगस्त <laughs> बैच वाला सच में भाई अगस्त बैच वाले बैठे हो गए यहाँ पे लेकिन ये जो नया बैच आया ये भी सच में बहुत लायक है ना कि हर बार ही जो भी नया बैच आता जा रहा है ना कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही लेके आता जा रहा है तो इतने सारे शहरों में से इतने सारे जो आपके ये शुभ कदम यहाँ पे पड़ते हैं ना उनमें से किसी किसी की भावना इतनी पवित्र होती है जो हमारे यहाँ के माहौल को शुभ करके चली जाती है तो वो कोई भी चेहरा हो सकता है आप में से कोई भी कदम हो सकता है आप सब में से <laughs> <laughs> जी पॉजिटिव रहो खुश रहो हमेशा हाँ बिल्कुल आपके ही होंगे सभी के आपके ही है तो जितना भी समझ आया है बढ़िया अच्छा एक चीज लास्ट में और कहना चाहेंगे भिवानी वाले स्टूडेंट्स हमारे बहुत ज्यादा है यहाँ पे कितने हैं भाई बच्चों एक बार हाथ उठाना कितने हैं भाई बहुत ज्यादा है तो भिवानी वालों आपसे हम एक उम्मीद रखना चाहेंगे क्या रख सकते हैं जितने भी हमारे बाहर के स्टूडेंट आए हुए हैं खासकर पीजी वाले प्लीज उनका ध्यान रखना ठीक है क्योंकि वो बहुत ही दूर से आए हुए हैं और वो हमारे लिए ही आए हुए हैं कि हमें लास्ट में उनको यही करवा के भेजना कि भिवानी वालों ने हमारी क्या सपोर्ट किया क्या मदद की है हर हालत में तो भिवानी वालों अपना नाम खराब ना होने देना भाई क्योंकि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो स्पेशली पीजी वालों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि वो ये तीन महीने के लिए बिल्कुल यहीं पे टिक गए हैं और जो अप डाउन वाले वो तो कम से कम दुखी तो बेचारे वो भी हो रहे कहीं सोचे वहां लेकिन लेकिन वो कम से कम घर पे तो जा पा रहे हैं लेकिन जो पिज्जी वाले है वो तो तीन महीने के लिए बिल्कुल ही यहाँ पे स्थिर हो गए तो उनको हर संभव मदद करना हर चीज की जो भी आप कर सकते हो कौन कौन है भाई बच्चों पिजी वाले जो कि वाह कितने बच्चे हैं भाई किसी को भी किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़े ना भाई भिवानी वालों को याद कर लेना ठीक है ना भाई भिवानी वालों okay, हाँ बिल्कुल नाम खराब मत करना भाई पहले वाले जो जुलाई वाला ये बैच था ना जुलाई वाला जो गया है अभी और जो अगस्त वाला है वो भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे हैं तो आप भी जो नए स्टूडेंट्स अभी आए हो भिवानी वालों हेल्प करना पूरी की पूरी सभी स्टूडेंट्स की और जो आप इतनी दूर से अप डाउन करते हो ना इसी को स्ट्रगल कहते हैं इसी को स्ट्रगल कहते हैं ये आपके जो तीन महीने आप ऐसे भागते फिर रहे हो ना पागलों के जैसे एक बार आए डेढ़ घंटे की क्लास के लिए आ रहे हैं फिर डेढ़ दो तीन घंटे सफ़र तय कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं पता नहीं भाई क्या जुनून बन गया बच्चों का तो ये यही चीज़ें हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए उक्स हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया था उन तीन महीनों में तो चलिए ज़्यादा ही ज्ञान हो गया आज के लिए हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय टेक केयर सी अगेन थैंक यू बच्चों बाय बाय भाई, भाई, भाई सभी को